बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि 1963 से पहले तक स्वरूप रानी हॉस्पिटल कैंपस एक जेल हुआ करती थी, जिसे मलाका जेल के नाम से भी जाना जाता था। इस मलाका जेल का इतिहास काकोरी कांड के वीर शहीदों से जुड़ा हुआ है। अंग्रेजों ने लोगों के गुस्से को दबाने के लिए काकोरी कांड से जुड़े क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खां, बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहड़ी को अलग अलग जगह पर फांसी दिया था। इसी क्रम में ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद में स्थित मलाका जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दिया गया था। 1925 में बनी मलाका जेल में खेती भी होती थी, कई कुएं थे और जिन कैदियों को फांसी की सजा होने वाली होती थी उनके लिए करीब 2 दर्जन बैरक अलग से बनाई गई थी। इन्हीं में से एक बैरक में ठाकुर रोशन सिंह को रखा गया था। उस समय मलाका जेल SRN से लेकर सेवे तक फैली हुई थी। 1961 में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बनने के बाद अस्पताल की जरूरत को पूरा करने के लिए मलाका जेल को SRN अस्पताल में बदल दिया गया और जेल को नैनी शिफ्ट कर दिया गया। क्रांतिकारियों के अतुल्य बलिदान का गवाह मलाका जेल इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गया है और उसकी आखिरी बची 3 बैरकों को भी तोड़कर उस जगह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। आज यहाँ क्रांतिकारियों के बलिदान को याद दिलाने वाली जो एकमात्र स्मृति चिन्ह बची रह गई है वह है ठाकुर रोशन सिंह की प्रतिमा, जिसे स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल बनाने वाले ठेकेदार जगदेश दास यादव ने 1972 में वहां लगवाया था।